हेलो दोस्तों, रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखा जिसकी तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप और दो आधार कोण दिए गए हों। इस सत्र में हम इसी रचना पर आधारित प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है तथा दो आधार कोण B और C क्रमशः 90 अंश और 55 अंश हैं। प्रश्न में त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर दिया गया है और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप उसकी भुजाओं के योग के बराबर होता है। अतः हमें AB धन BC धन CA बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त है। कोण B 90 अंश है और कोण C 55 अंश ज्ञात है। इस प्रकार की दी गई जानकारी के अनुसार हम त्रिभुज की रचना इन चरणों का पालन करते हुए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण एक, सबसे पहले पटरी की सहायता से दी गई परिमाप के बराबर का माप यानी 14 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड PQ खींचिए। चरण दो, अब P पर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण PX बनाइए। चरण तीन, उसी प्रकार अब बिंदु Q पर चांदे की सहायता से 55 अंश का कोण बनाते हुए एक और किरण PY बनाइए। चरण चार, अब बिंदु P तथा बिंदु Q पर बने कोणों के समद्विभाजक बनाइए। चरण पांच, प्राप्त हुए दोनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उसे बिंदु A नाम दीजिए। चरण छह, अब रेखाखंड PA का लंब समद्विभाजक बनाइए। जो रेखाखंड PQ को प्रतिच्छेदित करेगा उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम B नाम देंगे। चरण सात, इसी प्रकार रेखाखंड QA का लंब समद्विभाजक बनाइए। जो रेखाखंड PQ को पुनः एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम C नाम देंगे। चरण आठ, बिंदु A को बिंदु B और C से मिलाइए। दोस्तों, इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ABC अपेक्षित त्रिभुज है जिसे हम बनाना चाहते थे। और दोस्तों, इस प्रकार हम दिए गए किसी भी परिमाप और आधार कोणों के लिए त्रिभुज की रचना बड़ी आसानी से इन चरणों का पालन करते हुए कर सकते हैं। अब हम इस रचना का सत्यापन करेंगे। हमें जिस त्रिभुज की रचना करनी थी उसकी तीनों भुजाओं का योग 14 सेंटीमीटर है। तो अब हम जाँचेंगे कि क्या हमारे द्वारा की गई रचना की भुजाओं का योगफल 14 सेंटीमीटर है। साथ ही आधार कोणों का माप 90 अंश और 55 अंश है या नहीं। हम पटरी और चांदे की सहायता से इन भुजाओं और कोणों को मापकर इसका सत्यापन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह सत्र समाप्त होता है। आज हमने ऐसे त्रिभुज की रचना की जिसकी परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।